चपरासी इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, संचालिका विधि जी, उपस्थित इस महाविद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, यहां आकर कभी मैं बोलूंगा ये अपने छात्र जीवन में सोच नहीं सकता था। मुख्य अतिथि के रूप में बहुत आए हैं इस कॉलेज में, छात्र जीवन में मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तब मैं आया था, लेकिन सबसे पहले आप सबसे माफी मांगूंगा कि मैं देर से आया, थोड़ा विलंब हुआ, वायरल से ग्रसित हूं। आप अपने यहाँ के आने की इम्पोर्टेंस इस तरह समझ सकते हैं कि परसों महामहिम राज्यपाल जी का कार्यक्रम था, उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर विलंब से शुरू हुआ कि एक और कार्यक्रम जिससे पहले था उसको भी मैं, क्योंकि एक कार्यक्रम में आपके यहाँ का वहाँ नहीं जाता तो कल अखबार में तो पढ़ते कि वहाँ जाने के लिए ठीक थे, हमारे लिए भी बीमार थे, इसलिए विलंब हुआ। जब वो छोड़ेंगे तब मैं आऊँगा, इसके लिए माफ़ी। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई यूँ ही बेवफा नहीं। मुझे प्राचार्य जी इस पर बड़ी तालियों में बेवफा लोगों को अपनी शीट मिलती है, तो खैर पुनः माफ़ी। जब इस कॉलेज में आ रहा था तो पुराने याद आ रहे थे, पता रहा था प्राचार्य, क्योंकि काफ़ी आए इस छात्र संगठन के गठन के रूप में, स्टूडेंट नहीं रहा लेकिन आया हुआ था, क्योंकि पूरे आगरा की जिम्मेदारी थी विद्यार्थी परिषद की इकाई गठित करने की। कुछ पुरानी बातें कुछ ताज़ा हो रही थी, कुछ पेड़ की छाँव, कुछ चैपल, कभी कोई मोड़, कहीं गौक ऊपर की, उन रास्तों ने जिन पर कभी गामजन थे दोनों, गामजन था हम सफर, उन रास्तों ने जिन पर कभी हम सफर थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछा दिला हम सफर। पुरानी यादों को हो गए हार, और उन्हें जब यादें ताजा हुई तो हम भी तौर ताजा हुए। एक उक्ति है कि इतिहास अपने को दोहराता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, इतिहास अपने को दोहराता है, उक्ति है। लेकिन एक शायर कहता है, यह कहना है गलत इतिहास अपने को दोहराता है, यह कहना है गलत कि इतिहास अपने को दोहराता है, कोई मेरी जोश जवानी एक बार लौट आए, लेकिन शायद वो शायद किसी महाविद्यालय में पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो दोबारा वहां गया नहीं होगा, और न जोश जवानी इसकी दोबारा पढ़ा। खैर मित्रों, शिक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी जगह है, जो आप लोगों के प्यार से मैं वहां तक पहुंचा हूं, क्योंकि ये विद्यालय भी मेरे क्षेत्र में आता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। यहाँ के लोगों ने मुझे तीन बार जताया है और हर बार बढ़ते हुए क्रम, पहली बार 27,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार ज्यादा प्यार मिला 52,000 वोटों से जीता, तीसरी बार 57,000 वोटों से, जनता का प्यार है। लेकिन ये क्यों हुआ, या शिक्षक बैठे हैं तो इनसे ही बात करूंगा, छात्र बैठे हैं इनसे ही बात करूंगा, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं तो इनसे ही बात करूंगा अपनी बातचीत। मैं जब पढ़ता था आगरा कॉलेज में,
तो जी सी शर्मा साहब का जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे बी एस सी। देखिए शिक्षक तो सब है, गुरु होना बड़ी कठिन बात, बहुत कठिन है डेवलपमेंट, लेकिन जितनी कठिन है उतनी आसान है, बशर्ते हम उसका एहसास करें। तो मैं विद्यार्थी परिषद जब नगर मंत्री बना तो अमर उजाला में एक छोटी सी फोटो भी छपी, मैं कॉलेज में एंटर हुआ, लोगों ने छात्रों ने सबने बधाइयाँ दी, लेक्चरर से बधाई दी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन था विद्यार्थी परिषद स्कूल में। आज भी जी सी शर्मा साहब ने मुझे बुलाया, बोले कि क्या मतलब होता है विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन का नगर मंत्री बनना। अब अचानक एक सीनियर लेक्चरर ये पूछे तो शक पका जाएगा छात्र, तो जिस क्वेश्चन की अपेक्षा नहीं थी। तो मैंने कहा सर छात्र हितों के लिए संघर्ष करना, उनके हितों का ध्यान रखना, यह हमारे संगठन का काम है, उसको पूरा करेंगे। बोले नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि नगर मंत्री हूँ, आगरा के नगर के हर विद्यालय में विद्यार्थी परिषद की इकाई का गठन करना। बोले नहीं। तो मैंने कहा आप ही मार्गदर्शन करें। बोले इस संगठन के प्रमुख बनने के बाद ऐसा काम कर जाना कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि विद्यार्थी परिषद उससे करता है, जहां भी रहो वहां ऐसा करके जाना आने वाली नस्लें भी आ। ये उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया था, इसलिए मैं उनको गुरु मानता हूँ। शिक्षक बहुत मुझे पढ़ाए। तीसरी कक्षा में जगन्नाथ पंडित जी थे, एक उनको याद रखता हूँ, एक जी सी शर्मा जी, क्योंकि पाठ्यक्रम में सिलेबस तो सब पढ़ाता, वो हफ्ते में एक दिन जगन्नाथ पंडित जी बचपन में पूरा कागज होता उस समय मानव का हृदय, गुरु भक्त बालक, मातृभक्त बालक, पितृभक्त बालक, राष्ट्रभक्त बालक, इनकी कहानियां सुना जो कोर्स में नहीं थी, लेकिन अवचेतन वाले को मन पर पूरे कागज पर वो भावनाएं लिख गई, वो संस्कार की, इसलिए वो गुरु थी। सबको गुरु बनने का प्रयास करना चाहिए, प्रतिभाओं को तराशना और फिर तराशना, ये गुरु बनना। शिक्षक तो सब ये पाठ्यक्रम सब पढ़ा, छात्रों मित्रों आप सबको भी उसी तरह सोचना चाहिए कि अपने जीवन में जहां भी रहे जिससे जैसा भी काम मिले लेकिन उसको ईमानदारी से। देशभक्ति की प्रमोशन क्या है? क्या बॉर्डर पे जाकर लड़ना ही देशभक्ति? हम लोग के जीवन में दो बार देशभक्ति ज्यादा ज्वार लेती है, जब बॉर्डर पे लड़ाई हो रही या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो। देशभक्ति हमेशा रहनी चाहिए जीवन में कि मुझे जहां भी जो भी जिम्मेदारी दी है मैं उसका ईमानदारी से पालन करूं, यही देशभक्ति। तो आप सबको जहां भी रहना है, जहां भी पहुंचना है, जो भी जिम्मेदारी समाज मिले, समाज से मिले, समाज आपको दे, उसके जिम्मेदारी से पालन करें। जी सी शर्मा जी का दिया और गुरुमंत्र के जब मैं विधायक बना उसके बाद भी था, और आगरा के खाने की समस्या के बारे में सब जानते हैं। कुछ सालों पहले तक गंदा पानी आगरा पीने को मजबूर था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते
ये राज कपूर ने फिल्म से बताया। लेकिन किशन तेरी यमुना मैली हो गई दिल्ली उखला के दाले ढोते धोते, ये हमारी किचन और बाथरूम हमको बताते थे आपको। तो मैंने एक अहद किया, संकल्प लिया इस समस्या का निदान करूंगा, जुट गया, जुनून से जुटा, ईश्वर की कृपा रही, क्योंकि मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ। बहुत कठिन काम था, करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ईश्वर की कृपा हुई। 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की तारीख बन गया जब मेरे नेता मोदी ने दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया। और आगरा के लोग से मुझे भगीरथ आगरा कहते हैं। ऐसा कर जाना जो जिम्मेदारी मिली है उसको याद कर लो, ये होना चाहिए। ये उन्होंने मुझे दिया जो मेरे गुरु ने, मैं उसका अनुपालन करने की पूरा कोशिश करता हूँ। एक शिष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके मार्गदर्शन पर चलूं। मित्रों, आज जो आपका कार्यक्रम हो रहा है ये ऐसे नहीं है कि मोदी जी कोई काम ऐसे नहीं करते या योगी जी कोई काम ऐसे नहीं करते कि सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य पूरा करते। राष्ट्रहित में क्या हो सकता है, शौचालयों तक की बात करता है यदि कोई प्रधानमंत्री, तो आप सोचिए जिस समय उस स्वच्छता और शौचालय की बात करते थे तो विरोधी तंज कसते थे, हमने तो प्राइम मिनिस्टर चुना था, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर कहां से पहुंच गया, ये कहा जाता था। लेकिन एहसास हम लोग कब होता है उनकी दूरदृष्टि का, जब मेरा नाती मुझे छिलका फेंकते हुए देखता है और कहता है बाबा ये क्या कर रहे हो, दादी ये क्या कर रहे हो, पापा ये क्या कर रहे हो, मोदी जी ऐसा कह रहे हैं आने वाले नस्लों को स्वच्छता का संस्कार देने के लिए। छोटी बात और बड़ी बात, शिक्षा नीति में परिवर्तन क्यों आवश्यकता, आप सब आने वाले भारत के भविष्य है, इसलिए आपको बहुत संक्षिप्त समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत एनईपी में चर्चा होगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन लॉर्ड मैकाले की दूरी शिक्षा पद्धति इस देश में, एक सेंटेंस से आप समझ में आ जाएगी कि लॉर्ड मैकाले ने जब पहुंचा वापस इंग्लैंड और उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम क्या करके आए हो हिंदुस्तान के, बोले मैं ऐसी शिक्षा दे के आ रहा हूं कि काले अंग्रेज पैदा होंगे हिंदुस्तान में। यानी हम अपने संस्कार भूल जाएंगे, चिथि भूल जाएंगे, प्रकृति भूल जाएंगे। और वही हुआ, राष्ट्र की मूल भावनाओं से कट गए, इस चिथि से कट गए वो शिक्षा पर। और यही कारण हुआ कि जेएनयू में इतनी बढ़िया शिक्षण संस्था है, लेकिन नारे लगते हैं कि भारत के अगर टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यह शिक्षा दी गई राष्ट्रपति की, यह राष्ट्रपति है, यह शिक्षा है, इसको परिवर्तन होना चाहिए था। लेकिन नहीं, किसी हुक्मरान ने नहीं किया, पिछले कहते सब थे कि हाँ परिवर्तन होना चाहिए, मांग करते थे लोग कि परिवर्तन हो, लेकिन ब्लू प्रिंट किसी के पास तैयारी करने का जज्बा नहीं। मेरे नेता में जज्बा था, हम सबके प्रधानमंत्री में जज्बा था, एनईपी 2020 थी उस काल में, जैसे भी प्राचार्य चलता रहे थे कोरोना काल जैसा विश्व संकट था उस समय, और उसके मूल बिंदु है जिस मूल बिंदु जिस उसकी परिधि पर पूरी नीति बनी है उसके मूल बिंदु में है, न्यूक्लियस में, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना,
शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से, ये न्यूक्लियस है उसका, उसकी सरगम फ्रेंस में पूरी नीतियां उसके योजनाएं बनेगी, कार्यक्रम बने उसी के अंतर्गत शिक्षा को संस्कार से जोड़ना जरूरी था। मैं यही पूछ लूं, अगर बहुत कम छात्राएं बता पाएंगी कि अपाला कौन थी, गार्गी कौन, मंडल मिश्र की पत्नी क्या करेक्टर था उनका, अरुंधति कौन, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें संस्कारों से जोड़ा ही नहीं गया। शिक्षा इतनी विदुषी महिलाएं धरती पर हुई हैं जो हमारे धरोहर है, उनके बारे में ज्ञान नहीं, उनके संस्कार कैसे आएंगे। इसलिए संस्कार से जोड़ना, रोजगार से जोड़ना जरूरी है, ये तो आप सब जानते हैं, और तकनीक से जोड़ने का ये विषय है जो आप हो रहा है। यानी प्राचीनता के साथ आधुनिकता से का समन्वय, ये एनईपी 2020 है। उसके अंतर्गत छात्रों को ये टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, जिससे अपनी शिक्षा को और एडवांस ग्रहण कर सकते, उसको परिष्कृत कर सकते, कुछ और उसमें निखार ला सकते। क्योंकि जितना हम सोच सकते हैं उतना टेक्नोलॉजी कर सकते। आईटी का मिनिस्टर भी हूं मैं, इसलिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि जहां तक हम सोच सकते हैं तकनीक वहां तक जा सकते। कुछ विषय रखे थे मैंने वैज्ञानिकों के सामने, मैंने कहा ये चाहिए मुझे, कैसे होगा मुझे मालूम, आप बोले हो सकता है, लेकिन थोड़ी इसके लिए रिसर्च होगी, थोड़ा सा संसाधन जुटेंगे, मेरा कुछ भी चिंता मत करेंगे। मोदी जी भी तैयार है, योगी जी भी तैयार, इसको तकनीक से जोड़ा गया। और मैंने तो कई जगह बांटे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूँ जब छात्र छात्राओं पर जब मिलता है, क्योंकि उनको इस वक्त का भविष्य नजर आता है। तो ये भी एक भगवान की पूजा है। शायर की दो पंक्तियां मैं आपको उस मसले पे भी सुना था, बैठे हुए सोच रहे होंगे शायरी बहुत कर रहे हैं। मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चले, मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इस माध्यम से उनको भविष्य को उज्जवल बनाया जाए, यह भी उद्देश्य है, यह भी ईश्वरीय कार्यकर्ता की बात। आप लोगों जिनको आज मिलेंगे उनका भविष्य उज्जवल हो, नए भविष्य को चले, जहां भी रहे देश की सेवा में जुटे रहे, अपने काम को पूरा करते रहे। मुझे अभी एक कार्यक्रम में और जाना है, तो मैं भी जल्दी आपसे माफी मांगूंगा, निकलने की भी, आने में देर हुई, जाने में जल्दी, लेकिन मेरी मजबूरी है। धन्यवाद।